these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want one? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों के खुशहाल जीवन की कामना करते हुए मैं भी आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज का रेस्क्यू कॉल आया है हमें हमारे स्थानीय निवास से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी से। तो ये भैया हैं, आप एक बार कैमरे में आओ, अपना नाम बताओ। कुलदीप, ये यहीं के मूल निवासी हैं, अपने गाँव का नाम बताओ। ये परसरा मऊ है, जहाँ पर हम आ चुके हैं, हम हमारी टीम। आपको कैसे पता चला कि हम सांपों को बचाने का काम करते हैं? यूट्यूब के माध्यम से इन भैया को जानकारी मिली है कि हम लोग जो जीवों को बचाने का काम करते हैं। तो इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इनके सूझबूझ से, शिक्षित होने के नाते, एक बेजुबान की जान बची। तो आप लोग वीडियो बने रहिए। जैसा कि आप लोगों को बता दें, यहाँ दूर दूर तक खेत खलिहान है, खुला मैदान है, यहीं पर इनका ये निवास स्थान है। तो ऐसे में सांपों का आना लाजमी है। सांप आते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चूहे, मेंढक, छिपकली इनको खाने के लिए अक्सर हमारे घरों में प्रवेश कर जाते हैं। तो खतरे की स्थिति बनी रहती है। एक बार कैमरे में सभी को दिखावे, सभी लोग उस सर्प को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हैं। और जो हमारे यूट्यूब चैनल आर के सर्प मित्र पर जो लोग नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेते हैं 2-4 मिनट का वक्त, निकाल के दिखाते हैं सर्प कौन सा है, फिर बताते हैं उसके बारे में। जैसा कि आप लोगों को बता दें, लगभग सभी घरों का यही हाल है, जहां पर हम लोग निवास करते हैं, अनेक वस्तुएं रखते हैं अपने पालन पोषण के लिए। तो ऐसे में सांप जो है वो हमारे घरों में प्रवेश कर जाते हैं। तो सर्प है दोस्तों, आपको बता दें, इंडियन स्पेक्टल्ड कोबरा है। जैसा कि आपको बता दें, सिर्फ एक ही ये सर्प है जिसको अपने भारत में सबसे ज्यादा लोग पहचानते हैं, क्योंकि उसका फन होता है और कलर भी काला होता है। तो लोग इसको बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि इसको कोबरा या नाम कहते हैं। तो जैसा ये अपने जो होड निकाल के लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि दूर रहो, विसल निकाल रहा है, तो आप लोग जान सकते हैं सर कौन। अरे शाम, अरे शाम, बिल्कुल। आपको बता दें, ये जो सर्प है अपने आप बाहर आ चुका है। ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। देख सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा गुस्से में है। ये मेल है साथ में। देख सकते हैं कितना ज्यादा गुस्से में है। तो देख सकते हैं आप लोग इसका उग्र रूप, और ये बहुत ही गुस्से में है। Thank you.
ठीक है, इंतजार खत्म हुआ, इसको लेके चलते हैं बाहर, फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। बहुत काली है। तो आप लोगों को बता दें, ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है और मेल है। मेल है, नांग है। हाँ, तो ऐसा होता है कि अभी भी लोग जब ये सब काट लेता है तो अभी भी अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, झाड़ फूंक के चक्कर में। अरे शांत रहो, शांत रहो। और साइज भी इसका अच्छा खासा है, ऐसा लग रहा है जहाँ ये रह रहा है तो भरपूर मात्रा में डाइट उपलब्ध है। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दें, आप लोग कभी भी जो सफेरा लोग होते हैं उनको ये सांप को देने की गलती मत करना, क्योंकि ऐसे में जीवों की जान चली जाती है और सिर्फ जो जोगी लोग होते हैं वो पेट के लिए झूठ बोलते हैं और जो लोग हैं उनको गुमराह करते हैं। जैसा कि आपको बता दें, ये सर्प कभी दूध नहीं पीता है, सर्प दूध पी लेगा तो मर जाएगा। ये जोगी जो होते हैं ये अंधविश्वास में लोगों को डालते हैं। ना सर्प कभी बीन पे नाचता है, ना सर्प कभी बदला लेता है। बदले की भावना सिर्फ इंसानों में है, सर्प मांसाहारी होते हैं, क्योंकि सर्प दूध पिलेगा तो मर जाए। शांत रहो भैया, शांत रहो। तो सांपों के अंदर दूध पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह दूध पीकर जिंदा नहीं रह सकता है और सर्पों को सुनाई नहीं देता, इसीलिए यह बीन पे नहीं नाचते हैं। इनका सिर्फ मन एकाग्र करने के लिए जोगी अंधविश्वास फैलाते हैं। इससे तो बढ़िया आप सांपों को मार दो, जोगी को ना दो बिल्कुल कभी भी, या तो उसको बुला के पैसे दे के उसको सुरक्षित जंगल में छुड़वा दो। तो इन सभी लोगों को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ, इस सर्प की जान बचाई। और जैसा कि ये भैया सुबह से फोन कर रहे थे तो आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी इन लोगों से। देख सकते हैं कितना ज्यादा गुस्से में। ठीक है, इंतजार खत्म हुआ, इसको लेके चलते हैं प्राकृतिक परिवेश में। अच्छा खासा साइज है दोस्तों, भैया डब्बा ले आओ उसी में से। तो जब ये सर्प काट लेता है तो एक ही स्थान है जहाँ आपकी जान बच सकती है, वो भी जिला अस्पताल, जैसा कि हर वीडियो में हम लोगों को जागरूक करते आए हैं। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है जो मानव के जो नर्वस सिस्टम है, नाड़ी तंत्र, उसको डैमेज करता है और शरीर को लकवाग्रस्त हो जाने से सही समय से इलाज न हुआ तो लोगों की जान चली जाती है। तो आप लोग बिल्कुल शिक्षित हैं, शिक्षा को बढ़ावा दें, जब भी ये सर्प काट ले आप जितनी जल्दी हो सके जिला अस्पताल पहुंचे। तो ठीक है, इंतजार खत्म हुआ, इसको पैक करते हैं, लेके चलते हैं इसको जंगल में। इसने कुछ खाया है दोस्तों, उसको ये शायद निकाल रहा है। और यह एक ऐसा सर्प है, ये अपनी पहचान खुद बता देता है कि भारत में हमें किस नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखकर काफी बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह कार्य एक एक्सपर्ट के लिए और यह कार्य प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद ही किया जाता है। तो आप लोग इसको देखकर कभी भी वीडियो को कॉपी ना करें, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग ली जाती है तभी इस काम को अंजाम देते हैं। शांत रहो आप लोग।
तो ठीक है, इंतजार खत्म हुआ। इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनके सूझबूझ से जो एक सर्प की जान बची। ऐसे ही आप लोग प्रेम और सपोर्ट बनाए रखिए। अब जब भी कहीं कोई प्राणी या सर्प आप लोगों को दिखे, आप लोग दिए गए हमारा जो यूट्यूब चैनल है आर के सर्प में, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन लिंक में और जैसा कि हर वीडियो में हम मोबाइल नंबर छोड़ते हैं, आप लोग उसको डायल करें, तुरंत हमें जानकारी दें, तो हम जीवों को बचाने के लिए हर संभव एनी टाइम प्रयास करते हैं। आप लोगों को बता दें, यह कार्य बिल्कुल निःशुल्क है और प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद ही किया जाता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बेजुबानों को बचाते हुए, लोगों से अंधविश्वास दूर करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।